Hi everyone, let's come to question number 34. Important question hai residential status ka. And the students who are watching this video for the first time, please refer the description below and download the question file. Likha hua hai, during the last 4 years preceding the financial year 18-19, Mr. Manohar, a citizen of India, was present in India for 430 days. Previous year se, pichle 4 saal mein, ye India mein 430 din ke liye the. During the last 7 previous year, preceding the previous year 18-19, he was present in India for 830 days. Pichle 7 saal mein se, previous year se, pichle 7 saal mein, ye India mein the for 830 days. Aage ki baatein important hai. Mr. Manohar, a member of a crew of a Dubai-bound Indian ship. Ye baat important hai ki ye Indian citizen hai, plus crew member hai of Indian ship. Aapko inke baare mein pata hoga, ye exception mein fall karta hai. इनके लिए बेसिक कंडीशंस दोनों में से कोई एक नहीं देखी जाती. देयर इज ओनली वन बेसिक कंडीशन ऑफ 182 डेज. दिस पर्सन मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इनके लिए 60 डेज प्लस 4 साल की बातें नहीं देखी जाती. तो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि पिछले 4 साल में 430 डेज के लिए थे, वो बातें इररिलेवेंट हो जाती हैं बिकॉज दिस पर्सन फॉल्स इन एक्सेप्शन. दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का. ये सर्टिफिकेट क्या होता है? द कैप्टन ऑफ द शिप, जो शिप का कैप्टन है, वो अपने स्टाफ को, क्रू मेंबर्स को सर्टिफिकेट इशू करता है जिसमें लिखा होता है कि कौन से दिन आपके इंडिया से बाहर के माने जाएंगे. तो यहां पर लिखा हुआ है कि इनका साइनिंग इन डेट थी 12th of August और साइन ऑफ डेट थी 21st January 2019. बोथ द डेज वुड बी इंक्लूसिव. इनको हटा दिया जाएगा, 12 अगस्त से 21 जनवरी को हटा दिया जाएगा कि ये इनका इंडिया में प्रेजेंट नहीं थे. आगे लिखा हुआ है इन मई 2018 ही हैड गॉन आउट ऑफ इंडिया टू सिंगापुर एंड मलेशिया ऑन अ प्राइवेट टूर फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 29 डेज. और अगस्त में तो ये अपनी शिप से चले गए थे, उससे पहले ये अपने प्राइवेट टूर के लिए 29 डेज भी इंडिया में नहीं थे. आगे पूछा गया यू हैव टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस. तो आप इसकी प्रेजेंटेशन को जिस तरीके से करेंगे वहां पर आप बताएंगे कि फॉरन अगर कोई इंडियन सिटीजन है एंड अ मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, फॉरन बाउंड इंडियन शिप, तो उनके लिए हम 182 डेज की कंडीशंस लेते हैं और जो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में डेट्स मेंशन होती हैं उनको हटा देते हैं. तो अगर आप इनके डेज कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बी अराउंड 365 डेज में से माइनस कर दीजिएगा ये वाला पीरियड जो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है और 12 अगस्त को और 21 जनवरी को भी इंक्लूड करके हटा दीजिएगा इसको. दूसरा 29 डेज जो इनके प्राइवेट टूर के थे, तो इस तरीके से इनके डेज आते हैं 173 डेज जो कि 182 डेज नहीं बन पाए. That means that this person is a non-resident for India in previous year 18-19. आप इस तरीके से presentation देख सकते हैं. Thank you so much. Next video में मिलते हैं. Bye and take care.